यार ये अभिषेक मुनव्वर मुझे लगता है अपने कंधे पे बिठाएंगे जब बाहर आएंगे कमीने। खैर आयशा के बारे में मैं वो कुछ भी नहीं इस वक्त बोल सकती क्योंकि आयशा को आए बहुत कम वक्त हुआ है एंड वो आई इतने बवाल और भूचाल के साथ हैं और फिर जो हुआ वो हम सबके सामने अनटिल आज जो आप जाके एपिसोड देखेंगे सारे। तो अब यहाँ से वो क्या जर्नी में जाती हैं तो आई थिंक फिर वो कंपैरिजन मोड बन सकता है कि वो वहाँ पर क्यों हैं या वो भी बाहर क्यों आ गई। आई मीन वी डोंट नो। तो राइट नाउ अगर मैं अपने आप को बाकी मेजर कंटेस्टेंट्स से कंपेयर करूँगी सो दीज आर द क्वालिटीज, दिस इज़ माई पर्सनैलिटी और इस पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट शायद यहीं तक थी, है ना। एंड माई जॉब वॉज डन एंड आई हैड टू बी आउट। जो हम समझदार इंसान के साथ ऐसे बात कर सकते हैं, यार मुझे तुमसे एक बात करनी है, यू नो वट आई डोंट अग्री कि तू ऐसा कर रही है या कर रहा है, तो मुझे लगता है कि तू एक मास्क पहना है, वाई, यू नो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। आप बोलेंगे यार नहीं आई एम ट्राइंग टू डू दिस और यू नो हाँ ये है ऐसा नहीं है पर मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, वट एवर हम बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, वो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि तुम झूठी हो, तुमने ना मुखौटा पहना हुआ और वक्त आ गया कि उसे उतार दो। वो मैं नहीं कर सकती, वो मैं अपने सीरियल्स में अपने किरदारों में करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उसे वहाँ करके। पर रिंकू धवन जो मेरी ऑडियंस जिन्होंने मुझे आज तक 30 साल टेलीविजन इंडस्ट्री में मैंने बहुत स्ट्रांगली बहुत डिग्निफाइड तरीके से बहुत बढ़िया तगड़े नेगेटिव रोल्स किए हैं बिल्कुल कमीनी औरत की तरह, रिंकू धवन रियल लाइफ में बिल्कुल जो है अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों अपने इनर सर्कल में आप लोगों के सामने ये मैं हूँ रिंकू धवन। और बिग बॉस मेरे लिए एक पर्सनैलिटी शो था जहाँ मेरी ऑडियंस को मुझे दिखाना था कि रिंकू धवन कौन है, ना कि किरदार क्या है, एज इन क्या किरदार रोल प्ले करती है अपने करियर में। तो ये मैं हूँ एंड मैं वो नहीं कर सकती, मतलब मैंने नहीं किया भी नहीं बोलूँगी क्योंकि अगर खानजादी और मेरी जो भी थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई और यस आई वेंट टू द एक्सटेंट कि मैंने गालियाँ भी दी हैं, मैंने अपना आपा भी खो बैठा है, बस ये है कि बिग बॉस का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि आप हाथ नहीं उठा सकते, वरना मैं शायद वो भी कर देती। एंड आई टेक द ओनरशिप कि वो भी जो आपने देखा वो रिंकू धवन है एट हर वर्स्ट, वो भी वो वर्स्ट भी मेरा है और ये क्वालिटीज भी मेरी हैं। आई टेक द ओनरशिप ऑफ हु आई एम, बट खामखा मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे लगा कि नहीं ये नहीं हो सकता तो मैंने वो भी किया, अरे यार तुम मेरी बात सुन नहीं रहे, मैंने वो भी किया। जैसे विक्की बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, बिल्कुल बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, उनको बात उनको शब्दों का खेल सब कुछ आ रहा है विच इज़ वेरी गुड फॉर बिग बॉस। पर क्या विक्की ने मेरे साथ कभी इस तरह बिहेव किया जैसे वो अदरवाइज बिहेव करते हैं, या मैंने विक्की के साथ वैसे ही बिहेव किया जैसे शायद खानजादी के साथ हुआ, क्योंकि दो समझदार इंसान समझदारी से बात कर सकते हैं। एंड आई विल इंक्लूड अंकिता ऑल्सो इन दैट लिस्ट, मुनव्वर ऑल्सो इन दैट लिस्ट, कि दो समझदार इंसान बैठ के बात कर सकते हैं एंड दे कैन डिसएग्री। हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं है, पर फिर इन्हीं लोगों ने वो भी किया है क्योंकि वो शो की रिक्वायरमेंट है या शायद वो ये हैं, आई डोंट नो। यस वहीं पर मैं अगर बात करूं आपने चैलेंज दिया था अनुराग को तीन हफ्ते हो गए कि अनुराग अभी भी ग्रेस पीरियड में जी रहा और मैं बहुत ग्रेसफुली बाहर हूँ। With all my dignity and all my grace, I entered the house. I was in Big Boss house. और उतनी dignity और grace से उस तीन हफ्ते के बाद मैं निकली। तीन हफ्ते में नहीं निकली। और हाँ जी। What was his word when he was coming out? No, we दो हफ्ते पहले ही अनुराग और मेरी बातचीत फिर शुरू हुई और he was not happy कि मैं जा रही थी। उनकी आंखें भी नम थी कि मैं जा रही हूँ एंड
और वो मुझे हमेशा उस दौरान जब हम कनेक्ट हुए थे तो बोलता था कि रिंकू जी मैं तो आपके छाती पे गोली खाऊंगा। मैंने कहा बेटा तू तो वाकई एक दिन गोली खाएगा और उस गोली पे भी नाम मेरा ही लिखा होगा। सो बट एंड फिर वो जो भी बीच में कुछ हुआ विच आई स्टिल होल्ड इट, जो मैंने अनुराग से हमारी दोबारा बातचीत स्टार्ट होने पर भी बात की कि तुमने कभी अपने किए के लिए यू नो यू वर नॉट अपोलोजेटिक टू द होस्ट टू द प्लेटफॉर्म। हाँ जी मैम, मुनावर को लेके काफी बातचीत हुई है, कई सारे रिलेशनशिप अनस्टेबिलिटी। हाँ तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब रिलेशनशिप उनके ऑलरेडी उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है नाजिला, उन्होंने भी लाइव करके जानकारी दी कि ये इनका पैटर्न है, इस तरह का उन्होंने जानकारी दिया लाइव करके। आयशा भी वही कह रही है, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिली नहीं, आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन रही हूँ। आयशा घर पे आई थी, उन्होंने जो बोला हम सबने सुना। मुनव्वर के बारे में अगर मैं बोलूँ, जिस दिन नाजिला आई और सबका ऐसे था भाई ये कौन है, तो जो उन्होंने हमें बताया उस दौरान और तुरंत ही, ऐसा नहीं कि कोई दो घंटे सोच विचार करके, बिल्कुल वो जब आर्काइव रूम से वो नाजिला और मनारा निकले तो उन्होंने, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री थी तो सब एक्साइटेड थे कि कौन आया टाइप्स। तो ऐसे था कि मनारा ने जब उनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये आयशा है, ये मुनव्वर की दोस्त है, तो हमने कहा ओह अच्छा मुनव्वर की फ्रेंड है। और फिर जैसे जैसे बात खुली, मुनव्वर ने तुरंत वो जो भी एक ब्रीफ मोमेंट में एक बताया कि फलाना ढिमकाना ऐसा ए बी सी डी ई, नाजिला आयशा ये वो। और फिर जैसे जैसे बात, तो सब ऐसे शॉक में आ गए, स्टेट ऑफ शॉक में, जैसे हम आप सब भी आए होंगे और बाकी उनके फैंस भी या उनके जो भी आए होंगे सारे लोग, तो डेफिनेटली। बट मुनव्वर ने वो डिनाई नहीं किया, अगर वो बोलता नहीं, मतलब आई डोंट नो इफ इट्स रेलेवेंट, प्लीज करेक्ट मी, चिंटू तू क्या कर रहा है इधर, तू व्हाटएवर यू नो, मुनव्वर ने बोला यस आई डिड दिस, आई एम रॉन्ग, मैंने गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम अपोलोजेटिक और मैं इसकी ओनरशिप लेता हूँ। वो चाहता तो कुछ वक्त के लिए भागने की दोबारा कोशिश कर सकता था, जो मैं समझती हूँ कि एक फ्लॉ है, जो ये फ्लॉ बहुतों में होता है कि अगर कुछ जम नहीं रहा है ना हमारे मुताबिक हम भाग जाते हैं, फिर कुछ जम नहीं रहा ना हम भाग जाते, तो वो भागना होता है। पर ये नहीं जम रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सलटा दो ना कि भाई अपना नहीं जम रहा है, ओके वे गुड, यू आर ऑन योर पाथ, आई एम ऑन, पर वो भी नहीं क्लोजर, ये भी अधूरा, यहाँ यू नो इट डजेंट वर्क। फिर तो वो बिग बॉस का घर है भाई, अब तुम बाहर तो भाग रहे थे, अब तुम बिग बॉस के घर आ गए, बिग बॉस ने बोला ये लो, अब सलटाओ अपनी जिंदगी। ये बात कल वीकेंड के बारे में चर्चा में जरूर आई थी, देखो मुझे वो उतना नहीं नॉलेज है उस चीज के बारे में, हालांकि आयशा ने ये बोला था। तो अब क्या है ना कि अगर एक लड़की आके ये बात बोल रही है कि उसने ये बात बोली है, अच्छा तो शायद फीलिंग्स होगी भाई मैं कौन हूँ बोलने वाली कि वो झूठ बोल रहा है ये तू झूठ बोल रही है। उनके वन ऑन वन उनकी 2500 बातें हुई हैं, वो 2500 बातें मुझे नहीं पता। अब उस 2500 में ये भी एक बात हुई है तो भाई वो 2400 बातें जो हुई है या वट एवर 2499 जो बात हुई है यहाँ तक पहुँचने की, तो कुछ बातें हुई होंगी जो ये बात की है। बच्चे बहुत हिट गया ना, तो फिर तो चीयर्स टू मुनव्वर, ही इज बैक इन द गेम। हाँ मुझे अभिषेक ने ये बताया था, हाँ हाँ ये मुझे पता है, ओके
आई नो दैट, आई नो दैट जो आपने फर्स्ट बोला है कि हमारे बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुनव्वर ने भी बोली, ये चीज़ आयशा ने भी बोली, तो सिमिलर कॉन्वर्सेशन कि हम हाल फिलहाल में थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे. एंड या आई गॉट अ लिटिल इमोशनली अटैच, बट मुनव्वर से मुझे वैसा 100% रिस्पॉन्स नहीं मिला. एंड फिर जो उन्होंने अपनी डेफिनेटली अपनी दास्तान कहानी जो भी उस टाइम सुनाई कि भाई वो उस दौरान भी नाजिला से कनेक्ट कर रहे थे कि लेट्स मीट और लेट्स टॉक और लेट्स रीथिंक और व्हाटएवर, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब मुनव्वर से जिस वक्त मिली उसके तीसरे या पांचवे दिन जो भी हम मिले, हमने वक्त बिताया 4-5 घंटे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, नाजिला के बारे में बताया कि भाई अब ये ब्रेकअप हो गया है, ये अभी कुछ नहीं, क्योंकि उनका वो सवाल था कि अगर कुछ ऐसा है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आई नीड दैट क्लैरिटी. और मुनव्वर ने कहा कि नहीं भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑल क्लियर. पहला दिन, दूसरा दिन ऐसे कुछ उन्होंने पूरा अपना क्लियरली बताया, और तीसरे दिन से पांचवे दिन में ना मुझे ऐसा था कि मुझे मुनव्वर पे 100% भरोसा है. आपको पांचवे दिन पे किसी पे 100% भरोसा है और आप एक रिलेशन में क्यों घुस रही हैं? अगर मैं आपसे दोस्ती भी करना चाहूँ ना, तब भी आप पांचवे दिन मुझे नहीं बोलेंगे कि रिंकू जी मैं ना आपको 100% ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी की दास्तान आपको सुना दूँ. तो मैंने 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 आयशा से भी ये बात की, मैंने कहा आयशा क्या रश था, टेक योर टाइम, अगर मुझे आप पसंद आए हो आई टेक माई टाइम, मैं आपको जानने की कोशिश करूँगी, आप मुझे जानने की कोशिश, स्लो प्रोग्रेस, इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल ग्रेट फॉर बोथ ऑफ अस, अगर कहीं कुछ डगमगाए तुम्हारे कदम या मेरे कदम तो भैया. तो मैंने कहा ये कैसा भरोसा है कि पांचवें दिन 100% आपने आपने बोला कल, हम सॉरी शाम को, हम रात में ये डिस्कशन कर रहे थे. सो इट वॉज अ बिट फनी फॉर मी टू इवन अंडरस्टैंड दैट. एंड वेयर इज मुनव्वर का ये था कि भैया मुनव्वर तुम ये क्यों भागते हो, दो ना क्लोजर, और क्लोजर लो ना वक्त कि भाई यहाँ, या वही है कि भैया यार ये मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ यार, ये चिक चिक हो रही है यार, यार यू नो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, दिस इज हाउ पीपल यूजली डू, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, यू नो एक 6-8 महीने का ब्रेक ले लेते हैं, और फिर चलते 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 कोई मिल गई, वो अच्छी बातें कर रही, वो प्यारी बातें कर रही हैं, और दिल बहल रहा है, मन बहल रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो आप वो बह गए, फिर आप आए, फिर आपको लगा, फिर वो अब टूटा तो है नहीं ना, 10 दिन बाद वो कहीं यार चलना, लेट्स मीट, लेट्स पैच अप, ये मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि ऐसी कुछ बातें होती होंगी. देखिए उन्होंने जैसा एक जो एक्स कंटेस्टेंट पिछले शो में भी एक कंटेस्टेंट थी अंजलि, अच्छा उनके साथ भी वैसा ही उन्होंने थोड़ा ऐसा लाइक मनारा अभी यहां पर जैसा फीलिंग्स रख रही है, जिस तरह मनारा यू नो डिप्रेस्ड हो रही है आयशा को देखकर. पर जितनी मेरी नॉलेज में है मनारा और मुनव्वर की दोस्ती को लेके, तुम चाहे नाजिला थी नहीं एज इन यू नो दैट वे, क्योंकि वो एक्स थी, पर उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशंस में कि नाजिला मेरी गर्लफ्रेंड है उन्होंने प्रेजेंट में रखा, तो उन्होंने वो क्लैरिटी डेफिनेटली वो क्लैरिटी मनारा को भी थी. क्योंकि एक दिन मैंने मनारा से सवाल किया था, कुछ हमारा वीकेंड के वार के बाद वो फर्रे की कास्ट आई थी, तो उस दौरान कुछ जो भी परफॉर्मेंसेस थोड़ी बहुत चल रही थी, तो आई थिंक उस दौरान एमसी स्टैन भी आए थे, तो विक्की ने चिल्लाया अरे भाभी देख रही है, भाभी देख रही है, तो मनारा थोड़ी कॉन्शियस हो गई. अच्छा हमारा वीकेंड का वार ना बहुत लंबा जाता है, तो मेरी उम्र 47 है और मैं फेब में 48 होने वाली, तो मेरी 1:30-2 बजे मेरी बत्ती गुल हो जाती, मेरा पैकअप हो जाता, मेरे को ऐसा होता है भैया चलो चेंज करो, बिस्तर पकड़ो, सो जाओ, है ना. तो अभी उस टाइम चर्चाएं होती है, पर मेरे को ऐसा होता है बॉस मेरा पैकअप हो गया आज का, अब मैं नहीं सुन सकती ये बातें. बट खैर जो भी करते करते फ्रेशन अप होने के, मेकअप वेकअप उतारने के चक्कर में ऐश्वर्या और मनारा बात कर रहे थे, और मनारा बोलता है यार मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ा ये लगा, तो मैं वहाँ पर अपना मेकअप उतार रही थी, मैंने बोला क्या अजीब लगा, वो भाभी भाभी बोल रहे थे, तो मैंने कहा तुझे, तो बोला नहीं नहीं वो जो बाहर है, मैंने कहा वो मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड है, और मुनव्वर ऐसे आ जा रहा था, मैंने कहा मुनव्वर,
तूने बताया नहीं है. आई मीन व्हाई शी साउंडिंग सो सरप्राइज्ड. भाभी वाभी तो चलो बड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, बट रेलेवेंस तो वही है ना कि भाई आपकी कोई स्पेशल पर्सन बाहर है. तो बोला नहीं, मैंने बोला. और मना ऐसा नहीं कि कोने में वहीं पर, नहीं इनको पता है, मैंने बोला. तो मैंने बोला मनारत तो तुम किस बात को लेके सरप्राइज्ड हो? नहीं मुझे नहीं पता था. मैंने कहा पर अभी तो मुनव्वर ने बोला कि तुमको पता है. आप काफी मुनव्वर को सपोर्ट कर रही, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रही. मतलब इन अ सेंस देखो, एक चीज होता है कि मैं उसके गलत को सपोर्ट कर रही हूं, एक ये होता है कि ये मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया. आपकी जो सिस्टर है उन्होंने तो कह दिया कि ये फेक है. उस घर में 2400 घंटे मुनव्वर के साथ कौन था? 80 दिन या 76 दिन या 77 डेज मेरी सिस्टर या मैं, है ना. मैं ना इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकूंगी, क्योंकि उस दौरान ये बात मैंने सुनी है. जैसे आपने देखी है टीवी पे, आपने तो देखी है, तो आप देखकर कुछ तो बोल रही हैं. मैं तो वहां थी नहीं, तो मैंने तो शायद आपने जो देखा आपने मुझे बोला तो मैंने वो सुना, पर मैं थी नहीं. क्योंकि मुझे अंकिता ने बोला विकी कंबल हटा रहा था और देखो अभिषेक क्या बोल रहा है. अब जब मैं देखो मैं ना आज सुबह अपने घर लौटी हूँ और मैं यहाँ हूँ. मैं बिल्कुल कल सुबह से इस वक्त तक नहीं सोई हूँ. मैं कल जाके ये एपिसोड देख कर बोल सकती हूँ हाँ यार विकी ने ये किया. हाँ पर अंकिता ने मुझे ये बोला मैम देखो ना अभिषेक कैसे बोल रहे, विक्की ऐसे कंबल हटा था वो बोल रहा विक्की मुझे मार, विक्की ऐसा क्यों, जबकि अभिषेक ऑलरेडी बोल चुका था. बट वो हस्बैंड वाइफ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं बोलूँ यार तू क्यों झूठ बोल रही है. अभिषेक तो उसको सच्चाई की लाइट में लाना भी क्या मेरा हस्बैंड वाइफ का नो no. चर्चा है, प्लीज और चर्चा में लाइए मुनव्वर को. आई वांट मुनव्वर फारूकी टू विन. ओके सो आल्सो यू नो जब ईशा के साथ हुआ था यही चीज, समर घर में आए थे और वो तो वो सपोर्ट अभिषेक को कर रहे थे, ईशा को नहीं कर रहे थे कि ईशा गलत है समथिंग लाइक दैट. बट द थिंग इज मैम यहां पर ये बात आ रही है कि ईशा ने किया सो ठीक, तभी किसी ने उसको टॉर्चर नहीं किया, बट मुनव्वर ने किया सो व्हाट इज द रीजन यू नो सबके सब मुनव्वर को टॉर्चर किया. थैंक यू फॉर पुटिंग इट जस्ट द वे इट शुड बी. यू नो जैसे उस दिन हमारा आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि चलो वो नहीं बात करते क्योंकि वो आने वाला है. सो लेट्स नॉट टॉक ऑन व्हाट इज नॉट ऑन एयर. ठीक है उसके बारे में भी बताती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं. बट कमिंग टू हर पॉइंट कि भाई ईशा के साथ भी एक चीज हुई, बट उसके बारे में किसी घर वाले ने ऐसे नहीं किया है. सबने बोला नहीं यार सेंसिटिव मामला है शांत हो जाओ, यू नो इट्स अबाउट अ गर्ल, लड़का भी है ठीक है जो भी है शट इट, उनका पर्सनल मैटर है हैंडल हो गया छोड़ दो ठीक है. हम में से किसी ने उस बारे में कोई चर्चा, कोई खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, टॉन्ट मारना नहीं किया. बट जैसी वह चीज़ मुनव्वर के साथ आई तो सारे खड़े हो गए. तो मैंने बोला, मैंने कहा जब ये हुआ सारे शांत हो गए थे, सारे अपने सेंसिबिलिटीज लगा रहे थे क्योंकि वो इनिशियल स्टेज था. अब सारे मैच्योर हो गए हैं, सारे गेम में आ गए. 11वां हफ्ता है डूड. नहीं लोग वेट कर रहे थे कि मुनव्वर को अब तक तो कोई पॉइंट नहीं मिला, अब पॉइंट मिला तो अब फैक्ट है. सारे एपिसोड्स देख लो मुनव्वर का कोई पॉइंट नहीं था और मुनव्वर का तो ब्रेक क्या बोलते हैं आप लोग ब्रेकिंग न्यूज आया तो सबने उठाओ. मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे डेफिनेटली, एंड अगर अनुराग जो इस टाइम ग्रेस पीरियड में काफी अरसे से रह रहे हैं वो नहीं गए तो अनुराग स्लैश विकी. अभी से
मैं अभिषेक को बहुत शुरू से पसंद करती हूँ। देखो कौन पोकिंग कर रहा था पक्का ना, कौन पोकिंग कर रहा था, अभिषेक कर रहा था ना, बढ़िया थैंक यू। क्योंकि हाँ अभिषेक को वो पोकिंग किया जा रहा था एंड अभिषेक के टेम्पर इश्यूज हैं, पर आप लोगों ने तो इतना कुछ देखा है यू नो वाया सोशल मीडिया, वाया अपने एपिसोड्स जो आते हैं 24/7, सब कुछ। अभिषेक जो था, क्या आज आपको अभिषेक में थोड़ा 100% नहीं, थोड़ा पॉजिटिव चेंज नजर आता कि भैया ये हर मुद्दे पे बह 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 करता था, अभी करता है पर वो कंसिस्टेंसी कम हो गई है कि भाई 100% से शायद अब ये 70% पे आ गया। मैं नहीं बोलती 100% से ये 70% नहीं करता, 70% शायद अभी करता है, 30% चेंज आया है तो आया है ना। किसी की फितरत 100% बदल सकती है, अभिषेक की भी नहीं बदलेगी। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।